दिल्ली के मेहरौली इलाके में डीडीए की कार्रवाई हो रही है और डीडीए की इस कार्रवाई के बाद वहां पर काफी गहमा गहमी देखने के लिए भी मिल रही है। दरअसल अवैध निर्माण को गिराने के लिए टीम पहुंची है। डीडीए की टीम अवैध निर्माण हटा रही है, बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण हटाया जा रहा है और स्थानीय लोगों ने उनका काफी विरोध किया है, भारी हंगामा किया है। मौके पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेहरौली में डीडीए की इस कार्रवाई का ये लगातार तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी डीडीए कार्रवाई कर रहा है और जो अवैध निर्माण है उस निर्माण को वहां से हटाया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोग जिनके वहां पर मकान है, जिनका निर्माण है, जिनकी प्रॉपर्टी है, वो लोग विरोध जता रहे हैं। तो दिल्ली के मेहरौली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन आज भी जारी है। डीडीए की इस कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय जनता सड़कों पर उतर आई और जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और कार्रवाई मेहरौली इलाके में चल रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए डेमोलिशन ड्राइव के तहत कार्रवाई कर रहा है। डीडीए ने इस दौरान कई मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया। भारी सुरक्षा के बीच डीडीए ये कार्रवाई कर रहा है। डीडीए की इस कार्रवाई का लोग विरोध कर रहे हैं। दो दिन से डीडीए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई कर रही है और आज इस कार्रवाई का तीसरा दिन है। इस दौरान लोगों ने डीडीए की इस कार्रवाई पर विरोध भी किया। कई बार जेसीबी मशीन के सामने रुकावट बनकर खड़े हो गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो वहीं इस कार्रवाई को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हाउस टैक्स और रजिस्ट्री के बाद कैसे लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए एक बार फिर नई तारीख निर्धारित हो गई। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब 16 फरवरी को चुनाव होगा। एक महीने से लगातार तीसरी बार मेयर चुनाव टलने के बाद अब दिल्ली मेयर चुनाव की अगली तारीख 16 फरवरी तय हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने फिर से मेयर का चुनाव 16 फरवरी को कराने का सुझाव एलजी को भेजा था। मेयर चुनाव के लिए सबसे पहले एलजी ने 6 जनवरी की तारीख घोषित की थी, लेकिन मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण को लेकर सदन में विवाद खड़ा हो गया था और हंगामे के चलते पीठासीन अधिकारी ने सदन की मीटिंग स्थगित कर दी। इसके 18 दिन बाद 24 जनवरी को दोबारा मेयर चुनाव की घोषणा की गई। इस दिन मनोनीत पार्षदों सहित निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण पूरा हो गया, लेकिन मेयर चुनाव के लिए वोटर लिस्ट की मांग पर विवाद खड़ा हो गया। हंगामा बढ़ने पर पीठासीन अधिकारी ने फिर एक बार सदन स्थगित कर दिया था।